नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज सुपर कप का जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा रात के 10:30 में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूं, ये मुकाबला ग्रैंड लीग को लेके अच्छा है, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे आपको मालूम चल जाएगा मैं ये चीज आपको क्यों बताया हूं। और दोस्तों, टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद हमारे टीम में जो भी फेरबदल होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट सभी भाई टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पिच रिपोर्ट, विकेट टेकिंग लास्ट 5 ओडीआई मैच, एवरेज स्कोरिंग लास्ट 5 ओडीआई मैच, लास्ट सब मैच का बैटल जब दोनों टीम आमने सामने आई है तो क्या हुआ है, फिर पॉसिबल प्लेइंग 11, स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, 3 मार्की बैट्समैन, 3 मार्की बॉलर, लास्ट मैच का स्कोरबोर्ड देखेंगे दोनों टीम का, फिर हम देखेंगे 5 कैप्टन वीसी का ऑप्शन इस मैच में कौन कौन रहने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे अपनी फैंटेसी की टीम। अब दोस्तों, वेन्यू को लेकर बात कर लेंगे। मुकाबला खेला जाएगा ब्रेन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद वेस्ट इंडीज में। अगर हम बात करेंगे विनिंग परसेंटेज को लेकर तो भाई साहब फाइनल मुकाबला है, दोनों टीम अच्छी है, बट फिर भी टीआरआई की टीम फेवरेट होंगी। इसके विनिंग चांसेस आपको दिखेंगे 65% और लीग के चांसेस दिखेंगे 35%। अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट को लेकर, बैलेंस विकेट होगा, यहाँ पे स्पिनर्स के पास अच्छा खासा एज रहने वाला है। वेदर रिपोर्ट को लेकर बात कर लें तो रेनी बताया जा रहा है। अब आइए हम बात करते हैं विकेट टेकिंग लास्ट 5 ओडीआई मैच ऑन दिस वेन्यू, टोटल विकेट गिरे हैं 76, जहां पे पेसर्स को मिले हैं 26 विकेट, स्पिनर्स के खाते में गए हैं 50 विकेट। अगर हम बात करेंगे एवरेज स्कोरिंग लास्ट 5 ओडीआई मैच को लेकर इस वेन्यू के ऊपर, तो एवरेज स्कोर है 190 का। लास्ट 3 ओडीआई मैच अगर हम बात करेंगे जब दोनों टीम आमने सामने आई है तो क्या हुआ है, टीआरआई की टीम 2 और लीग की टीम 1 दफा विन की है। अगर हम बात करेंगे लास्ट 5 ओडीआई मैच रिजल्ट दोनों टीम का, तो टीआरआई की टीम विन विन एवंडेड विन विन करके आ रही है और लीग की टीम लॉस लॉस विन 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 करके आ रही है। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर, तो आपको दिख जाएंगे टीआरआई की तरफ से के ऑटलेट, टी वेबस्टर, ब्रावो ध्यान रखिएगा, उसके बाद दिखेगा निकोलस पुरन। निकोलस पुरन का बैटिंग ऊपर नीचे होते रहता है, कभी निकोलस पुरन ऊपर आएंगे, कभी जे मोहम्मद ऊपर आएंगे, फिर आपको दिख जाएंगे यानिक अकील हुसैन, सुनील नारायण, टेरेस हिंस, उसके अलावा जेडन सिल्स और सेनन गैब्रियल। अगर हम बात करें गेंदबाजी में तो आपको यहां से यानिक का लगभग 10 ओवर कंफर्म मान लीजिए, फिर अकील का 10 ओवर कंफर्म क्योंकि स्पिन टू विन फॉर्मूला यहां पे काम करेंगी, सुनील नारायण का 10 ओवर कंफर्म, ये तीनों मिलकर डालेंगे 30 ओवर, फिर जो है 20 ओवर का स्पेल टी हिंस, जे सिल्स और एस गैब्रियल के बीच में स्प्लिट होगा। और ध्यान रखिएगा अगर पिच पे और भी स्पिनर्स को मदद मिली तो जे मोहम्मद भी आके एक और ओवर डाल सकते हैं। एक और प्लेयर है के पैडे, अगर इनको लगता है कि ये कंप्लीट स्पिन के साथ सामने वाले टीम के ऊपर टूट पड़ेंगे तो ये जे सिल्स के जगह पे आराम से ट्राई कर सकते हैं के पैडे को। अगर हम बात करेंगे लीग की तरफ से आपको दिख जाएंगे कैरन पोवेल, जस्टिन गिब्स के कार्टिज, जे हेमिल्टन, ये पिछले मैच में हुए थे इंजर्ड तो इनको लेकर अभी तक कंफर्म नहीं है ये फिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर आपको दिख जाएंगे टी वाटे, रकीम कॉर्नवाल के जोन जेम्स, कॉफी जेम्स, फिर आपको दिख जाएंगे हेडन वाल्स जूनियर, अल्जारी जोसेफ, डी डोरेन और हुसैन थॉमस। अब गेंदबाजी की बात कर लेंगे तो यहां से आप मान कर चलेंगे हेडन वाल्स जूनियर, अल्जारी जोसेफ, कॉफी जेम्स, डी डोरम, इन चारों को डालना चाहिए लगभग 35 से 40 ओवर, बाकी के जो 15 ओवर या फिर 10 ओवर होंगे वो जाएंगे टी वाडे, रकीम कॉर्नवाल और हुसैन थॉमस के बीच में। हुसैन थॉमस इस टूर्नामेंट में काफी कम गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी कभार ओकेजनली जो है वो जस्टिन गिब्स भी 1 से लेकर 3 ओवर आके डाल देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मैच को लेकर, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा लीग की जो टीम है वो लास्ट मैच में बर्बादोस को वन साइडेड फेंटी दी थी। ध्यान रखिएगा 290 जो टारगेट आपको दिख रहा है ना, ये आराम से 225-230 में सिमट सकते थे, लेकिन हेडन वाल्स जूनियर और हेमिल्टन ने लास्ट में बेहतरीन सन ऑफ खेला था और यहाँ पे जो है वो ली टीम को फिर जो है बेड़ा पार लगाया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन किरण पोवेल किए थे 28, जस्टिन गिब्स 63, के कार्टी 32, जे हेमिल्टन 76, टी वाडे 1, रकीम कॉर्नवाल 16, कॉफी जेम्स 5, इसके नीचे आए थे हेडन वाल्स जूनियर, उन्होंने 56-57 का स्कोर किया हुआ था। इस मैच में गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ 5 में 30 रन 3 विकेट, हुसैन थॉमस 5 में 18 रन 0 विकेट, कॉफी जेम्स 7 ओवर 36 रन 2 विकेट, डी डोरम 10 ओवर 33 रन 3 विकेट, हेडन वाल्स जूनियर 3 ओवर 2 गेंद 13 रन 2 विकेट, पता नहीं कॉर्नवाल जैसे स्पिनर को इन लोगों ने क्यों नहीं गेंदबाजी दिया। अगर हम बात करेंगे टीएनटी को लेके, बहुत बेहतरीन टीम है, चाहे वो सीपीएल की, टीकेआर की टीम हो या फिर दोस्तों डोमेस्टिक में टीएनटी की टीम हो, ये हमेशा अच्छा खेल जाता है और इनका जो है पिच भी, होम ग्राउंड का भी मदद मिलेगा इनको। अगर हम इनको लेके बात करेंगे लास्ट मैच में गोयना को वन साइडेड फेंटी देके आ रही है, कि ऑटले के थे 35 रन, टी वेबस्टर 10, ब्रैबो 53 लगातार रन कर रहे हैं,
पुरन सर्व तीन, जेसन महमूद जीरो और यानी किए थे 5 रन। इस मैच में गेंदबाजी में सेनन गैब्रियल 5 ओवर 20 रन 0 विकेट, जेडन सिल्स 7 ओवर 1 मैडन 30 रन 0 विकेट, टी हिंस 4 ओवर 15 रन 4 विकेट, सुनील नारायण 10 ओवर 12 रन की विकेट, अकील हुसैन 6 ओवर 13 रन की विकेट, यानी कि 2 ओवर 3 गेंद 14 रन 2 विकेट। अब आइए हम बात करते हैं टॉप प्लेयर्स एट दिस वेन्यू बेस्ड ऑन लास्ट 2 इयर्स ओडीआई मैच में बात करेंगे। ब्रावो खेले हैं 7 मैच 56 के बैटिंग एवरेज है, जस्टिन गिब्स 4 मैच 54 के बैटिंग एवरेज है, किरण पोवेल 4 मैच 46 के बैटिंग एवरेज है, के ऑटले 7 मैच 41 के बैटिंग एवरेज है, हैमिल्टन 4 मैच 26 के बैटिंग एवरेज और यानिक का 7 मैच में 24.1 का बैटिंग एवरेज है। गेंदबाजी की बात कर लेंगे, नीदरलैंड के डोमेस्टिक के अच्छे गेंदबाज डी डोरम 4 मैच में पर मैच 2.8 विकेट लिए हुए हैं, अलजारी जोसेफ 4 मैच पर मैच 2.8 विकेट, सुनील नारायण 7 मैच पर मैच 2.1 विकेट, यानिक 7 मैच पर मैच 2.1 विकेट, हेडन वाल्स 4 मैच पर मैच 2 विकेट, अकील हुसैन 7 मैच में ऑन एन एवरेज पर मैच 1.6 विकेट लिए हैं। एवरेज में बात कर लेंगे, सुनील नारायण सबसे बेहतर 2.36 का मिस इकोनॉमी में बात कर रहे हैं और उसके बाद हमेशा की तरह दोस्तों डी डोरम और फिर आपको दिख जाएंगे अकील हुसैन के साथ, कौन यहां पे आपको दिखेंगे, हेडन वाल्स जूनियर। अब स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे, आपको टीआरआई की तरफ से दिख जाएंगे सेनन गैब्रियल, जेडन सिल्स 2-3 ओवर का स्पेल डालेंगे, उसके बाद तुरंत ये लोग स्पिनर से टूट पड़ते हैं सामने वाली टीम के ऊपर। लीग की तरफ से आपको दिखेंगे अलजारी जोसेफ और कॉफी जेम्स। अगर हम बात करेंगे डेथ ओवर्स को लेकर, आपको टीआरआई की तरफ से दिख जाएंगे सेनन गैब्रियल यानी कारिया, सेनन के जगह पर ये लोग स्पिनर के साथ भी टूट पड़ेंगे सामने वाली टीम के ऊपर, स्पेशली टी हिंस भी स्पिनर नहीं पेसर्स टी हिंस जो है वो भी डेथ में गेंदबाजी करने आ जाते हैं और प्लस खैरी पैरे भी डेथ में गेंदबाजी करने आते हैं। लीग की तरफ से अलजारी जोसेफ और हेडन वाल्स जूनियर। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे थ्री मार्की बैट्समैन, थ्री मार्की बॉलर को लेकर। थ्री मार्की बैट्समैन में आपको दिखेंगे ब्रावो, निकलस पुरन, के काटी और थ्री मार्की बॉलर में आपको दिख जाएंगे यानिक, सुनील नारायण और अकील हुसैन। अब आइए हम बात करते हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन वीसी के मटेरियल इस मैच में कौन रहने वाले हैं। सबसे पहला नाम आएगा यानिक का, ये आपको दिखेंगे नंबर 5 नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हुए प्लस 10 ओवर गेंदबाजी करेंगे और वो 10 ओवर तब जब ये मान के चलिए 18 से लेकर 20 ओवर के बाद ये अपना पहला स्पेल डालने आते हैं। हेडन वाल्स जूनियर ये भी आपको बल्ले से पॉइंट देंगे, नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी करेंगे, नॉर्मली कभी कभी ये जो है वो चौथे पांच में डाउन भी आ जाते हैं, प्लस इनका भी गेंदबाजी स्टार्ट होता है लगभग 20 ओवर के बाद। अगर हम बात कर लेंगे अकील हुसैन को लेके, ये भी आपको नंबर 6 नंबर 7 पे बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे, प्लस इनसे आप गेंदबाजी में अच्छा उम्मीद कर सकते हो स्पेशली इन सब तरह के पिच पे। सुनील नारायण का भी यही हाल है, ये भी आपको दिखेंगे नंबर 5 नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हुए प्लस 10 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी और ऐसे गेंदबाज को यहाँ पे खूब विकेट मिलने वाले हैं। अलजारी जोसेफ अगर पेसर्स के लिए थोड़ा सा भी मदद हुआ तो ये आपके लिए गुच्छे में विकेट लेके जाएंगे, प्लस थोड़े बहुत बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट करते आपको नजर आ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो हम बात करेंगे वो मैच एक अपना डेमो टीम होगा, फाइनल टीम में ढेर सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैंने विकेट के पीछे से निकलस पुरन को लिया हुआ है, बैटिंग से मैंने ब्रावो, करण पोवेल, जस्टिन गिब्स को लिया हुआ है, ऑलराउंडर से सुनील नारायण, यानिक, अकील हुसैन, हेडन वाल्स को लिया हुआ है, बॉलिंग से अलजारी जोसेफ, कॉफी जेम्स और डी डोरम को लिया हुआ है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, अगर दोस्तों आप उस ऐप पे खेलते हो जहां पे आप 10-1 मीन्स आप बल्लेबाजी से एक बल्लेबाज लेके जा सकते हो, वहां आप आंख बंद करके इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिएगा और दो आप जो है एक्स्ट्रा गेंदबाज ट्राई कीजिएगा अपने टीम में। उसके बाद अगर आपको खैरी पैडे खेलते नजर आ जाते हैं तो आपके लिए ये जो प्लेयर है ना खैरी पैडे वो मस्ट पिक हो जाएंगे, वो आप अपने टीम में या तो कॉफी जेम्स या फिर डी डोरम में से किसी एक को ड्रॉप कर दीजिएगा, उनके जगह ले लीजिएगा और इन दोनों को ड्रॉप करके दोस्तों उन एप्लीकेशन पे जहां पे एक बल्लेबाज के साथ आप जा सकते हो वहां पे आप दो गेंदबाज लीजिएगा, स्पेशली वो जो स्पिनर्स हो, स्पेशली सबसे बुरा नाम डिफरेंशियल पिक रकीम कोनवाल को ट्राई कीजिएगा, आपके लिए गेम चेंजर पिक हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने कैप्टनसी का भार सौंपा यानिक को, वीसी मैंने दिया नारायण बाबा को, आप लोग जो है वीसी अकील हुसैन, हेडन वाल्स जूनियर, उसके अलावा अलजारी जोसेफ और ग्रैंड लीग में दोस्तों निकलस पुरन जैसे प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।